स्वागत है आपका अपने चैनल आरोग्य इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आर्थिक संकट किसी भी परिवार में अलग अलग प्रकार की परेशानियां पैदा कर सकता है। धन की कमी से परिवार के हर व्यक्ति को नुकसान होता है और कहीं न कहीं धन की कमी उनकी परेशानी का सबब भी बन जाती है। अगर आपके पास धन होगा तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। हालांकि हर खुशी धन से प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए धन की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो धन से माला माल रहे। ऐसे में आप भोलेनाथ की उपासना कर सकते हैं। भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल सा उपाय शिव पुराण में बताया गया है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आज हम आपको सोमवार का एक बहुत ही सरल सा टोटका बताएंगे। इस टोटके को करने से आपकी धन से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सोमवार के दिन को भगवान भोलेनाथ शिव की उपासना करना श्रेष्ठ माना गया है। भगवान शंकर बहुत आसान से उपाय से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में उन्हें प्रसन्न करने और उनसे आशीष लेने का सबसे आसान उपाय वर्णित है। इस उपाय के अनुसार आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक पूरी श्रद्धा से भगवान भोले भंडारी को अर्पित करना है। सोमवार को गोधूली बेला की सांझ में एक घी का दीपक तैयार कर लें और उसमें एक लौंग का जोड़ा डालें। अब शिव जी के किसी भी मंत्र से आराधना करें और भगवान शिव से अपने आर्थिक कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा किसी भी सोमवार से आरंभ कर सकते हैं और 11 सोमवार तक नियमित इस उपाय को करें। निश्चित रूप से आपके घर से घोर आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाना भी ना भूलें। अगर आपको कोई शिव मंत्र नहीं आता है तो मात्र ओम नमः शिवाय का मंत्र भी उतना ही प्रभावशाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हमारे इस सोमवार के टोटके को जरूर अपना कर देखें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।